सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृतक देह आज पहुंचेगी दिल्ली। मोदी और राजनाथ समेत उगियां शख्सियतां देणगियां श्रद्धांजलि। तमिलनाडु च कल हवाई सेना का हैलीकॉप्टर उड़ान भरन तो थोड़ी देर बाद हादसाग्रस्त हो जाने नाल चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई। दस दिए कि चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली कैंट विच किया जाएगा। इस समय जनरल रावत उन्हां दी पत्नी अते होरां दीआं मृतक देहां नूं वेलिंगटन तमिलनाडु के मिलटरी हस्पताल च रख्या गया। मृतक देह नूं अज कोनूर स्थित मद्रास रेजिमेंटल सेंटर अते फिर नवीं दिल्ली ले जाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ने पूरे देश नूं हला के रख दिता है। मोदी ने शाम लगभग 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की। इस विच गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सने कमेटी के मैंबर भी शामिल हुए। सूत्रों मुताबिक मीटिंग विच बिपिन रावत की जगह नवे चेहरे के नाम की चर्चा हुई। सीनियरता के हिसाब न जनरल MM नरवणे की दावेदारी सब तो मजबूत दिख रही है। डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने कहा कि यह अहुदा इन्ना अहम है कि किसी सीनियर ते तजर्बेकार अधिकारी नूं ही इसलिए चुनिया जा सकता है। इस लिहाज नाल देखा जाए तो तीनों सेनावां आर्मी नेवी ते एयरफोर्स के चीफ ही इसके मजबूत दावेदार ने। एडमिरल करमवीर सिंह सब तो जूनियर जल सेना अधिकारी ने। थल सेना मुखी जनरल मुकंद नरवणे ते हवाई सेना मुखी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने। इन्हां दोवां विचों जेकर तजर्बेकार ते सीनियर तां देखिए तां MM नरवणे दी दावेदारी सब तो ठोस दिख रही है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CDS रावत अते उन्हां दी पत्नी समेत सारे मृतक अधिकारियों नूं श्रद्धांजलि देण लई पहुंचणगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज लोक सभा ते राज सभा च जहाज हादसे ते बयान देणगे। राजनाथ सिंह दोहां सदनां च हैलीकॉप्टर हादसे ते बयान देण वाले ने। चढ़दी कला टाइम TV ब्यूरो रिपोर्ट।